मैं नेशनल हाईवे पे भी मौजूद है, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नर शासन हो या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कानून लागू किया गया है कि एग्रीकल्चर लैंड पे कोई भी कंस्ट्रक्शन ना हो। हालांकि कल एक गरीब ने यहाँ पे एक टीन शेड बनाया था कुछ दिन पहले, लेकिन किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आई और इसका जो टीन शेड है वो तहस नहस किया है। दूसरी तरफ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से जो है बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, लेकिन कानून की नजर, कानून के हाथ इन पे नहीं पड़ रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक और मौजूद है जिनका ये टीन शेड था, इसके साथ हम बात करेंगे। जी अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद अहमद। आप सब क्या हुआ इस टीन के बारे में? जी आपको तो पता ही होगा कि तहसीलदार की जानिब से हाल ही में ये डिमोलिशन ड्राइव की मुहिम की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। हमने खाली यहाँ पे टीन का शेड बनाया था। अभी आप अगर कैमरा यहाँ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी कुछ भी नहीं है, खाली टीन का शेड बनाया था, तो ये भी डिमोलिश किया गया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, ये इस साइड में एक और बिल्डिंग बन रही है। जब इनके साथ कुछ नहीं हुआ तो हमारा ये खाली टीन का शेड क्यों ये डिमोलिश किया गया? इनके इनकी तो जान पहचान है आगे बड़े बड़े आदमी से। सलाम ना आओ अस बनाया ये इतना शेड अस कर खुद बात बंद अस ओस बेशा शेड आज सो तो नहीं थोद वही दिसाव अस ये इतना ओड़ आई तुम उतर क्योंकि वो तो हम बिल्डिंग कर पर जबान है ओड़ वो बिल्डिंग तो क्या बोलियो दुबक तो इतनी थो तो क्या बनाओ यहाँ अस क्या क्या काम कर हाँ ना कत बासन